Good morning, students. My name is Ruby Sharma. Welcome to E A classes. So let's start today's class. Today I'll teach you this poem. The name of this poem is the kite, and the poet name is Harry Ben. It is written by Harry Ben. You can see here the name of poet. ऑल ऑफ us लाइक टू फ्लाई काइट्स हम सभी को पसंद है पतंग उड़ाना हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन आपने भी कभी ना कभी कोशिश की होगी इसे उड़ाने की रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एज इट flies इन द स्काई इस कविता को पढ़ना है हमें जिसमें किसके बारे में किस बताया गया है कि जो काइट होती है वो आकाश में कैसे उड़ती है क्या क्या वहाँ होता है सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वैन इट्स न्यू हाउ ब्राइट बहुत चमकदार लगती है ये ऑन द blue नीले आसमान में इज अ काइट वैनिट्स जब यह पतंग नहीं होती है जब पतंग नहीं होती है तो वो नीले आसमान में बच्चों बहुत जल्द चमकदार लगती है विद अ डाइव एंड अ डीप डाइव मीज गोता लगाती है और डीप मीस डुबकी लगाती है यह गोता लगाती है और डुबकी लगाती है इट स्नैप्स इट्स टैल अपनी पूँछ को खिसकाते हुए स्नैप्स मीस खिसकाना और टैल पूँछ है मतलब डोरी उसकी डैन सोर्स लाइक शिप विद ओनली अ सेल फिर क्या होता है बच्चों विथ ओनली अ सेल लाइक जहाज की तरह क्या करती है सो होती है उठती है ऊपर की ओर जैसे कि जहाज होता है ना वैसे ही उठती है विध ओनली अ सेल अपने आ, हवा के झोंके के साथ एज ओवर टाइड्स ऑफ इट राइड्स राइड्स मतलब केवल हवा के झोंके के साथ ही ये ऊपर उठती है क्लाइम्स टू द्रेस्ट यह yeah, शिखर पर चढ़ जाती है क्लाइंसमिस चढ़ना और क्रिस्टमिस शिखर पर ऑफ ए गस्ट एंड ए पुल्स ऑफ क्या करती है गस्ट बच्चों यहाँ पर आया है तेज हवा के झोंके के साथ एंड पुल्स खींची जाती है जब ऊपर चढ़ती है और हवा तेज होती है तो ऊपर चली जाती है खींची चली जाती है देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स और जैसे ही हवा का वेग कम हो जाता है तो ऐसा लगता है सीम्स मिस ऐसा लगता है टू रेस्ट जैसे ये आराम कर रही हो क्या लगता है कि जैसे कि पतन आराम कर रही हो स्लैक यू विंड इट बैक अब क्या हो रहा है जब उसकी डोर स्ट्रिंग उसकी डोर क्या हो जाती है डोर उसकी ढीली पड़ जाती है यू विंड इट बैक आप इसको पीछे की ओर एकदम एकदम खींचते हो जब हल्की हवा जाती है तो बिल्कुल पीछे खींच लगते हैं एंड रन अंटिल और ऐसा तब तक करते हैं न्यू ब्रिज ब्लो जब तक की हवा का नया झोंका नहीं आता है एंड इट्स विंग फ्लिव फिल एंड अपू इट गोस विंग्स इसके पंख हवा के साथ इसके पंख कहे गए हैं बच्चों पतंग में ना पंख बोला गया है क्योंकि पोएट है, पोएम है तो पोएट यहां पर कुछ भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो इमेजिन में लिख रहे हैं इमेजिनेशन होती है पोएम जो होती है फिल एंड अप इट गोस इसके पंखों में हवा भर जाती है और ये फिर ऊपर की तरफ चली जाती है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वैन इट्स न्यू नीले आसमान में बहुत चमकदार लगती है पतंग जब वो नहीं होती है बट रैगर्ड थी यू नेवर विल सी लेकिन जब वो कहीं मतलब गिर जाती है रैग रैगर्ड कहीं मतलब अच्छे से पतंग कट जाती है यू नेवर विल सी फिर हम उसको नहीं देख सकते ना वैन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री अगर ये अपनी डोर से बंधी हुई है और पेड़ के ऊपर फड़फड़ा रही है तो हम इसको देख सकते हैं लेकिन अगर ये कहीं ऐसे कट गई तो फिर हम इसको नहीं देख सकते हैं यू विल राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक One time and read this poem two times. Thank you. Have a nice day.